एकदम कम तेल में बनाए ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे इसे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए बिना किसी मेहनत और टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको बनाने के लिए 2 कटोरी रवा ले लिया है, रवा या सूजी, और उसमें डाल दिया 1/2 कटोरी दही और स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ी चम्मच इसमें डाल दिया है तेल और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और इसका एक अच्छा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, तो एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका अच्छे से बैटर बना लेंगे। तो बैटर बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ढककर रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो इसको 8 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। जब तक हम क्या करेंगे, गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और एक इस तरीके की छन्नी रख देंगे और गैस को लो फ्लेम पर रख देंगे और एक थाली ले लिए, उसमें भी थोड़ा सा तेल डालेंगे और थाली पे अच्छे से इस तरीके से हाथों की हेल्प से तेल लगा देंगे सभी तरफ अच्छे से। तो बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। इधर हमको 8 से 10 मिनट हो चुके हैं हमारे बैटर को। तो अब हमको क्या करना है, एक पैकेट इनो का ले लेना है और पूरा पैकेट डाल देना है। ये 10 रुपये वाला इनो का पैकेट है, तो पूरा डाल देना है। और अब इसे एक्टिवेट करने के लिए इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इनो को बैटर के अंदर मिक्स करेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में अच्छे से चलाते हुए इनो को अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और अब जिस थाली पर हमने तेल लगाया था ना, उसी पर इस बैटर को डाल देंगे। तो हमने पूरा बैटर इसमें डाल दिया है, पूरे बैटर को थाली में डाल देंगे और उस थाली को हम कढ़ाई के अंदर रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इसके ऊपर अच्छे से छिड़क देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से डालना है हमको लाल मिर्च पाउडर इसके ऊपर। और अब इसको ढक कर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम अच्छे से पक गया है। 20 मिनट में बिल्कुल ये अच्छे से पक जाता है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है हमको, गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखकर अच्छे से पकाएंगे। चाकू की मदद से इसको एक बार चेक कर लेंगे, तो देख सकते हो इस पर ज़्यादा नहीं चिपका है चाकू पर, इसका मतलब कि हमारा नाश्ता बन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको जब हल्का ठंडा हो जाए तो इसको कट करेंगे, इसके पीसेस कट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमको कट करना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेंगे पीसेस इसके। तो फ्रेंड्स अब कट कर लिया है, आप देख सकते हो हमने अच्छे से कट कर लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल जैसे ही हल्का गर्म हो जाए तो उस पर राई डाल देंगे और राई के बाद डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्च और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हरी मिर्च को। हरी मिर्च जैसे ही फ्राई हो जाए तो उसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम एकदम थोड़ा करके ही डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो मैंने इसमें 1/2 गिलास के करीब पानी डाल दिया है और पानी जैसे ही अच्छा उबल जाए हमारा, तो उसके बाद इसके अंदर 1/2 नींबू निचोड़ देंगे और गैस को कर देंगे बंद और उस तड़के को हम डाल देंगे हमारे नाश्ते के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरीके से डाल देंगे पूरा तड़का इसके ऊपर और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा और आपको देख सकते हो कितना इजीली हम थाली से बाहर निकल चुके। इस तरीके से हम सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे और हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।